स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन हिंदी क्लास। बच्चों आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी और लेसन नंबर 1 पढ़ाऊंगी जिसका नाम है भाषा विचार, हिंदी भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा। आपको पता ही है भाषा क्या होता है, भाषा का अर्थ होता है बोली। और ये भी पता है कि जो भाषा शब्द है वो किससे बना है, भाष धातु से बना है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या होती है, ध्वनियाँ निकलती है और ध्वनि निकलती है और हम अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, बोलकर ही तो पहुंचाते हैं। अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो किसके माध्यम से पढ़ा रही हूँ, भाषा के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा अगर भाषा न होती तो क्या होता, भाषा न होती तो हम क्या करते, सृष्टि गूंजी होती या फिर हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते। सांकेतिक भाषा जो है सीमित दायरा उसका, उसका कोई प्रामाणिक व्याकरण नहीं है। तो जब लिमिट में बात कर सकते हैं तो भाषा ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के जो विचारों को हम समझ सकते हैं। तो हमारे मेन जो बात है इसमें है भाषा। मेन टॉपिक सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगी भाषा। तो लुक एट द ब्लैकबोर्ड स्टूडेंट, सबसे पहले हम भाषा की डेफिनेशन लिखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। देखिए स्टूडेंट, लुक एट द ब्लैकबोर्ड। भाषा भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति बोलता है अपने मन से जो भी बोलता है वो किसके माध्यम से समझाता है, भाषा के द्वारा। और दूसरे के विचारों को भी किसके द्वारा समझता है, भाषा के द्वारा। तो ये भाषा क्या, एक तरह से विचारों का आदान प्रदान है। अब हम इस डेफिनेशन के आधार पर यह कह सकते हैं कि भाषा की कौन कौन सी विशेषता है। भाषा क्या है, मनुष्य के मुख से उच्चारित रूप को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अभी मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो क्या है, मुख से उच्चारित करके पढ़ा रही हूँ तो ये भी भाषा है। भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती है, अर्थात वर्णों के मेल से होती है। भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। भाषा का उद्देश्य क्या है, विचारों का आदान प्रदान करना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है बच्चों, भाषा ही कौशल है। अब भाषा के कितने प्रकार है, भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मौखिक भाषा और सेकेंड है आपकी लिखित भाषा। सबसे पहले हम लेंगे मौखिक भाषा। अभी मैं बोलकर आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, कौन सी भाषा का उदाहरण है, मौखिक भाषा का उदाहरण।
सपोज करो आपके घर पे किसी का टेलीफोन आ गया, आप फोन पे बातचीत करेंगे, तो वो किसका उदाहरण है? मौखिक भाषा का उदाहरण। दूसरी भाषा हमारी लिखित भाषा, अभी मैंने आपके लिए भाषा की जो डेफिनेशन लिखी है वो किसका एग्जाम्पल है? लिखित भाषा का उदाहरण। जैसे मान लो कोई बच्चा निबंध प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, वो निबंध लिख रहा है, तो वो भी किसका उदाहरण है? लिखित भाषा का। तार, आप SMS करते हैं मोबाइल पे, किसका उदाहरण है? वो लिखित भाषा का उदाहरण है। तो फर्स्ट मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया भाषा, भाषा के कितने रूप है, भाषा की क्या विशेषता है, यानी भाषा में किसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा की परिभाषा। मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा? बोलना सीखा, इसलिए सबसे पहले मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया गया। अब आपके एग्जाम में आ सकता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो आप मौखिक भाषा की परिभाषा लिखेंगे कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने विचार को प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, वो क्या हो गया? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, और अब हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। लिखित भाषा देखेंगे आप, भाषा का रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने भावों और विचारों कैसे प्रकट करता है, लिखकर प्रकटता है, और दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति बोलकर उसकी बात को समझता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दिया, निबंध लेखन करना, क्वेश्चन आंसर जो आप ब्लैकबोर्ड पर लिख रही हूँ वो, प्रश्नों के उत्तर लिखना, SMS करना, ये सब किसके उदाहरण है? लिखित भाषा के। फर्स्ट लिखित भाषा के बाद में हम पढ़ेंगे बोली। बोली, बोली मीन्स क्या होता है? बोलना। बोली ये भाषा का क्या है? अल्पविकसित रूप है। बोली क्या भाषा का? अल्पविकसित रूप है, और ये एक सीमित क्षेत्र में प्रचलित होती है। यानी साधारण बोलचाल में जो भाषा बोलते हैं वही बोली कहलाती है। जैसे मान लो अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, कुमाऊनी है, ये सब क्या है? बोली है। और बोली जो है क्या, इसका क्षेत्र क्या है? सीमित है। नेक्स्ट हम कर पढ़ेंगे उपभाषा। उपभाषा बोली से उपभाषा का क्षेत्र अधिक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि बोली से उपभाषा अधिक बड़े क्षेत्र अथवा प्रदेश में बोलचाल के लिए प्रयोग में आती है। एक उपभाषा क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती है, एक उपभाषा क्षेत्र में अनेक बोलियां हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि बोली जो है अल्पविकसित रूप है बोली भाषा का, और बोली जो है से उपभाषा तो अधिक बड़े क्षेत्र में प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भाषा। अब बोली और उपभाषा ये दोनों सीमित क्षेत्र में है, लेकिन भाषा का क्या है? विस्तृत क्षेत्र है, और विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना और संचार साधनों के विचारों का आदान प्रदान के लिए यह प्रयोगित होती है। क्या होती है? भाषा। तो सबसे सीमित क्षेत्र किसका? बोली का। और बोली से अधिक बोली उपभाषा क्षेत्र का, उससे बड़ा क्षेत्र हो गया, और सबसे विस्तृत क्षेत्र किसका है? भाषा का। अब आप लोगों को पता ही है कि हिंदी को समृद्ध बनाने में बोलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी की उपयोगिता और बोलियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। अब जैसे पश्चिम हिंदी है, पूर्व हिंदी है, राजस्थान हिंदी है, बिहार हिंदी है, और पहाड़ी हिंदी है। पश्चिम हिंदी में देखेंगे आप, पश्चिम हिंदी में एवरीवन पेंसिल से ये जो पश्चिम हिंदी है इसको अंडरलाइन करेंगे। पश्चिम हिंदी के अंदर कौन कौन सी भाषाएं आती है उसको अंडरलाइन करेंगे। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी और कन्नौजी, ये किसमें आएगा? पश्चिम हिंदी में। अब पूर्व हिंदी में देखिए आप, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये किसमें आएंगी? पूर्व हिंदी में। और राजस्थानी, हम राजस्थान में रहते हैं जैसे, तो मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी और हाड़ोती, यहाँ पर। नेक्स्ट बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के अंदर क्या आता है? भोजपुरी, मैथिली और मगही। और पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, मड़ियाली और गढ़वाली, ये आती है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया बच्चों भाषा, भाषा के टाइप्स पढ़ाए, भेद पढ़ाए, इसके बाद में मैंने बोली, उपभाषा और भाषा के बारे में बताया, और इसके बाद में मैंने बताया आपको हिंदी की उपभाषा और बोलियों में निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। हिंदी की उपभाषा और बोलियों को निम्नलिखित वर्ग में बांटा गया है, कौन कौन से? पहला पश्चिमी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, और नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। बच्चों हम पढ़ेंगे मातृभाषा। आप सभी को पता है कि मातृभाषा क्या होती है, छठी क्लास में भी आपने मातृभाषा पढ़ी थी। मातृभाषा वो भाषा है जो बच्चा जन्म से अपनी माँ और परिवार के साथ सीखता है, मातृभाषा है। जो भी वो भाषा जो बच्चा अपने जन्म के साथ अपने परिवार के सदस्यों में बोलता है, सीखता है, वही मातृभाषा है।
अब हम मातृभाषा के एग्जाम्पल देंगे, जैसे महाराष्ट्र में परिवार है तो क्या बोलेगा? मराठी। कोई गुजराती परिवार है तो गुजराती बोलेगा। जैसे कोई हमारे जैसे राजस्थानी है तो वो से क्या होते हैं? राजस्थान के हैं, जो कुर्पी और राजस्थानी बोलते हैं, तो वो क्या होगी? मातृभाषा होगी। तो मातृभाषा की जो डेफिनेशन जब आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या लिखेंगे? वह भाषा जो बालक अपने परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मातृभाषा, वह भाषा जो बालक अपने अपने परिवार से परिवार से सीखता है, सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा, वह भाषा जो बालक अपने परिवार से सीखता है, मातृभाषा कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जन्म से अपने माँ और परिवार के साथ जो सीखता है वही मातृभाषा है। आपका आज मैंने आपको मातृभाषा तक पढ़ाया। नेक्स्ट जो है हम राजभाषा और राष्ट्रभाषा और मानव भाषा नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।